सबको प्रणाम। आज इस वीडियो में हम जो क्विज़ के लिए एक टॉपिक लेंगे, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन, यानी हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कटाएंगे। यानी घटाएंगे, घटा करेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये जो करने वाले हैं इसमें क्या टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक ये है हमारा, घटाना परम मित्र की सहायता से या अन्य किसी विधि से दो संख्याओं को घटाना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चार अंकों की संख्या है परम मित्र की सहायता से, लेकिन हम यहाँ पर परम मित्र की सहायता से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जो है शून्यांत विधि से करेंगे, क्योंकि परम मित्र की सहायता से हम मौखिक रूप से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए हम जो है इसको हम लोग जो है इसको शून्यांत विधि से करेंगे। आप जानते हैं पहले जो है हम कर चुके हैं, तो ये जो है विद्या भारती इंस्टीट्यूट में, विद्या भारती में क्विज होता है वैदिक मैथमेटिक्स के लिए, तो ये शिशु वर्ग यानी फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए ये करते हैं। तो ये फोर्थ फिफ्थ क्लास वाले किसी भी स्कूल में और कहीं भी ये क्विज जो है कराया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मौखिक देंगे और बच्चों में इसकी जो याददाश्त पावर है बहुत अच्छी होगी और मौखिक गणना करने में भी बहुत उनको आसानी रहेगी। तो उनके एक हैबिट पड़ेगी कि हम रियलिस्टिक लाइफ में, हम अपने जीवन में किस प्रकार से गणित को, किस प्रकार मैथमेटिक्स को हम उपयोग में लाएं। तो ये क्विज और ये मैथमेटिक्स का ये जो मेथड है वैदिक मैथमेटिक्स का, इसको करना हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी, और इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आगे। तो आइए कुछ हम बात करते हैं कि ये करना कैसे है। हम ऑलरेडी इसको थ्री डिजिट तक समझ चुके हैं, लेकिन आज जो है ये फोर डिजिट का हम करेंगे। तो वही प्रोसेस रहेगा जो पहले शून्यांत, इसका नाम है शून्यांत, शून्यांत विधि, शून्यांत विधि का प्रयोग करेंगे। शून्यांत मेथड, तो आप जानते हैं इस विधि में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, देखिएगा ये एग्जांपल आपके लिए 6752, ये एक एग्जांपल है, और माइनस करना है 2, 9, 8 और 5। तो हम देखेंगे किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करने हैं, तो पहले क्या हुआ, 6 माइनस 2 क्या हुआ, 4 हो गया, ये 4 रिजल्ट आया। तो हमने क्या करना होता है, इसमें हर एक कॉलम के बाद शून्य लगाना होता है, तो ये 40 हो गया। तो 40 के बाद क्या करेंगे, ये ऐड करना है ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये, और ये माइनस है नीचे वाला, तो माइनस करते जाएंगे। तो 40 में ऐड किया 7, तो 47 हुआ, तो 47 माइनस 9, तो 47 माइनस 9 करेंगे तो क्या हुआ, 38 हो गया, है ना, 38। तो 47 में 9 हमने माइनस कर दिया है। तो अब देखिए इसके साथ फिर शून्य लगा दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, वही 5 ऐड करें और 8 माइनस करें, तो 85 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 माइनस 8 तो -3 बचेगा, तो इसमें से -3 घटा दीजिए तो 377, तो ऐसे भी कर सकते हैं 377, है ना। तो फिर उसके बाद फिर जो है हम शून्य लगाना होता है, तो 37 70 ये हो गया, तो इसमें +2 करिए -5 करिए। तो अब ये देखिएगा कौन सा ज़्यादा है, माइनस का है प्लस का, तो माइनस का, ये प्लस का 2 है माइनस का 5 है, तो -3 यानी 3 माइनस का ज़्यादा, तो इसमें -3 करिए, तो आपका ये आया 3767। तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है बच्चे के लिए, तो हम इसका आंसर मौखिक निकाल सकते हैं। अब वैसे अगर ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो आप देखिए 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं कैरी, तो ये 12 12 माइनस 5 7, फिर ये 4 आ गया था,
तो फोर नहीं से एट नहीं माइनस हो सकता, फिर इस वजह से हम करते हैं फोर्टीन, फोर्टीन माइनस एट तो ये सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स है तो ये सिक्स कैरी इधर से लिया, तो ये सिक्सटीन माइनस नाइन तो ये सेवन आ जाएगा, तो ये फाइव आ गया, तो फाइव माइनस टू। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है हम लिख कर ही कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है मौखिक इसको किया जा सकता है। तो आप जो है इसको मौखिक कर सकते हैं क्विज इसका, यानी हमें क्विज जब कराते हैं तो पेन पेंसिल की जरूरत नहीं होती और स्टूडेंट्स मौखिक रूप से इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल के द्वारा ये समझते हैं। तो देखिएगा अगला एक और पार्ट लेते हैं, फोर वन फाइव सिक्स, तो वन फाइव सेवन नाइन, तो ये माइनस करना है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, फोर माइनस वन दैट यू विल गेट थ्री, क्या लगाते हैं शून्य लगाते हैं, तो क्या हुआ थर्टी, थर्टी वन प्लस करेंगे वन, थर्टी वन माइनस फाइव, तो थर्टी वन माइनस फाइव क्या हुआ ट्वेंटी सिक्स हो गया, तो ट्वेंटी सिक्स के साथ फिर शून्य लगा दिया और ऊपर प्लस करेंगे टू सिक्सटी फाइव। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आसान हो सकता है कि प्लस फाइव है माइनस सेवन है, तो कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस दो इसमें से घटा दीजिए, तो ये आपके पास आएगा टू फिफ्टी एट, है ना, क्या लगाते हैं शून्य, तो ट्वेंटी फाइव एटी। तो सिक्स और नाइन में कौन सा बड़ा माइनस का, तो माइनस थ्री लिख दीजिएगा, सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इसमें से घटाइए, तो ये आपके पास आएगा ट्वेंटी फाइव सेवेंटी सेवन। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम मौखिक इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें आप इसका खुद करिए इसका आंसर क्या आएगा देखिएगा। तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सिक्स टू वन जीरो और वन फाइव सिक्स सेवन, तो क्या हुआ देखिए, तो क्या आंसर आएगा बताइए, पहले क्या लिखेंगे, फाइव क्या आएगा, फिर उसके बाद थ्री माइनस करिए फोर्टी सेवन, शून्य लगाइए, फिर क्या माइनस करना है माइनस फाइव, फाइव माइनस कर दीजिए फोर सिक्सटी फाइव, शून्य लगाइए, और फिर इसमें से क्या माइनस करना है सेवन, तो फोर सिक्स और फोर थ्री, तो ये आपके पास ये आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए कितना इजी है, बच्चे आराम से इसमें कर सकते हैं, मौके करेंगे और इनकी कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ेगी, इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, और ये बिना पेन पेंसिल के होगा तो ये इन्वायरमेंटल के लिए भी ठीक है, क्योंकि इससे हमें कागज़ कम लगेगा, बच्चे मौके करेंगे, इससे याददाश्त पावर ज़्यादा होगी, इससे इंटेलिजेंसी आएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।